बड़ी खबर इस वक्त की, आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर शराब घोटाले का आरोप है और इसके मद्देनजर दिल्ली बीजेपी एक्शन में दिखाई दे रही है। दिल्ली के राजघाट में प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रियंका कांडपाल हमारी सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रही हैं। प्रियंका, प्रदर्शन आखिर किस लिए, क्या बताया जा रहा है बीजेपी की ओर से? देखिए, दो तस्वीरें आज राजघाट से नजर आ रही हैं। एक सड़क के उस पार जहां पर आपको फिलहाल झंडे नजर आ रहे हैं, यहां पर दिल्ली बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता जो हैं वो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, क्योंकि लगातार आम आदमी पार्टी बोल रही है कि सरकार जो है वो जेल से चलेगी, ऐसे में इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें, राजघाट के ठीक सामने हमारी मौजूदगी है, यहाँ पर सांसद विधायक तमाम लोग मौजूद हैं। अंदर क्या करने जाने वाले हैं अभी आप? अंदर बापू से ये प्रार्थना करने जा रहे हैं कि बापू याद करो कैसे आपके समाधि के पास आके वो कस्में खाता था, और आज पूरी दिल्ली की जनता दुखी है, आत्मा से रो रही है कि ऐसा सीएम मिला जिसको कोर्ट ने 6 दिन के लिए रिमांड पे भेजा है। कहीं ना कहीं कोई सत्यता होगी तभी कोर्ट ने भेजा है, फिर भी वो कुर्सी नहीं छोड़ना चाह रहा। कुर्सी का इतना प्रेमी, अब मुझे याद आ रहा है कि गाड़ी नहीं लूँगा, बंगला नहीं लूँगा, सुरक्षा गार्ड नहीं लूँगा और कुर्सी भी नहीं छोड़ूंगा, ये भी इसने यही किया था। और निश्चित एक तरफ आप लोग आज यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं इस्तीफे की मांग को लेकर, दूसरी तरफ आप लोग राजघाट पर जा रहे हैं प्रेयर करने के लिए। प्रेयर करने का क्या मतलब है? ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, इनको सन्मति दे भगवान, इनकी सन्मति के लिए बापू से प्रार्थना करने आए हैं और ये कहने आए हैं कि शराब घोटाले का ये पिंग पिंग सकना जो पुलिस की, और ये आरोप लगाए जा रहे हैं। तो हलचल ना सिर्फ दिल्ली में है बल्कि इसका असर दक्षिण भारत तक दिखाई दे रहा है, और इसी से जुड़ी इस वक्त की एक बेहद अहम और बड़ी खबर भी है। हैदराबाद में भी सुबह से ही दिल्ली शराब घोटाले में ईडी की बड़ी छापेमारी चल रही है। ईडी की टीम एक साथ कई जगहों पर छापेमारी कर रही है और ये छापेमारी के कविता के रिश्तेदारों के यहां पर हो रही है, के कविता के भाई की बहू के ठिकानों पर भी छापेमारी चल रही है। तो दिल्ली में हुई बड़ी हलचल, और ऐसे में शराब नीति को लेकर तार जुड़ते दिखाई दिए दक्षिण भारत से, और अब के कविता के रिश्तेदारों के ठिकानों पर भी छापेमारी हो रही है। एक के बाद एक कई जगह खंगाली जा रही है, कई सबूत जुटाने की कोशिश हो रही है, और ये एक बड़ी खबर भी है। के कविता से पूछताछ के बीच में ही अब उनके रिश्तेदारों के यहां भी छापेमारी। ईडी को 6 दिन मिले हैं अब केजरीवाल से पूछताछ के लिए, और इन 6 दिनों में ईडी क्या क्या पता करेगी इसके लिए एक बड़ी जिम्मेदारी उनके पास, कितने सबूत जुटा पाएगी, क्या अभी दिल्ली शराब घोटाले में कोई और बड़ा किरदार भी है जिस 12% के घोटाले ने पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया है, उसकी पूरी आखिर हकीकत क्या है हम आपको बताते हैं। दिन भर चले हाई वोल्टेज ड्रामे का क्लाइमैक्स केजरीवाल की रिमांड पर जाकर खत्म हुआ। 6 दिन तक केजरीवाल ईडी के लॉकअप में रहेंगे। 28 मार्च की दोपहर पेशी होगी, लेकिन अगले 6 दिन के सियासी संग्राम का ट्रेलर आज ही रिलीज हो गया। आम आदमी की आतिशी वर्सेस बीजेपी की स्मृति ईरानी के इस वार पलटवार से 2 साल से ये जांच चल रही है, लेकिन 2 साल की जांच में एक पैसा भी ना सीबीआई को मिला है ना ईडी को मिला है, लेकिन जैसे ही चुनाव की घोषणा होती है तो अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। क्यों? इसलिए किया जाता है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पता है कि अगर कोई एक नेता उनको चैलेंज करने वाला है तो उस नेता का नाम अरविंद केजरीवाल है। सुचिता का हवाला देने वाला एक व्यक्ति किस प्रकार से प्रशासनिक तंत्र के माध्यम से भ्रष्टाचार को परिभाषित करेगा, उसका ब्यौरा मिला अरविंद केजरीवाल और उनके कृत्यों के माध्यम से। राउज एवेन्यू कोर्ट में केजरीवाल की एंट्री के साथ ही हलचल देखते ही बन रही थी, लेकिन केजरीवाल का अंदाज गौर करने लायक था। वही हुलिया, वही चाल, चेहरे पर शांति का भाव, लेकिन उस पर तैरती उदासी बहुत कुछ बयां कर रही थी। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी के दौरान
केजरीवाल के साथ चल रहे लोग भी सतर्क होकर साथ चल रहे थे। केजरीवाल बस एक टक सीध में देखते रहे, चलते रहे। ये तेज तर्रार लीडर केजरीवाल की बिल्कुल अलग छवि दिख रही थी। क्या किसी ने कल्पना की थी कि केजरीवाल को ये दिन देखने पड़ेंगे? लेकिन यही तस्वीर आज का सच है। केजरीवाल पर कानूनी शिकंजा कस गया है, उनके कदम जेल की सलाखों की तरफ तेजी से खींचे जा रहे हैं। शायद इसलिए वो अब जीवन देश के नाम कर अपनी पार्टी का हौसला बढ़ा रहे हैं। मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है, चाहे अंदर हो या बाहर। कोर्ट में अपील और दलील की मझधार में उलझे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बहुत कुछ दांव पर लगा है। बहुत कुछ क्या, करीब करीब सब कुछ। इस हंगामे के बीच उनकी कट्टर ईमानदार नेता की छवि दांव पर है। इस प्रदर्शन के बीच मुख्यमंत्री की कुर्सी दांव पर है। केजरीवाल का क्रांतिकारी विचार दांव पर है। आम आदमी पार्टी का जनाधार दांव पर है। लेकिन ये नौबत आई क्यों? क्या है ये पूरा लिकर स्कैम? केजरीवाल की ईडी फाइल में क्या क्या है? तफसील से पूरे घोटाला केस को जानेंगे, लेकिन पहले देखिए आज अदालत में एक मुख्यमंत्री को कैसे कैसे आरोपों की बौछार झेलनी पड़ी। ईडी शराब घोटाले के मुख्य साजिशकर्ता हैं केजरीवाल। ईडी शराब नीति बनाने में केजरीवाल की सीधी भूमिका है। ईडी गोवा चुनाव में घोटाले के पैसों का इस्तेमाल हुआ था। ईडी केजरीवाल ने भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा है। और इस वक्त की एक और बेहद अहम और बड़ी खबर आ रही है। हैदराबाद में सुबह से ही ईडी की छापेमारी चल रही है और एक बड़ी कार्रवाई की जा रही है ईडी की ओर से। ईडी की टीम एक साथ कई जगहों पर छापेमारी कर रही है। के कविता के रिश्तेदारों के यहां पर छापेमारी हो रही है। हालांकि ये रेड किस मामले में की जा रही है ईडी ने अभी तक ये साफ नहीं किया है। क्या कोई और नया कनेक्शन जुड़ता दिखाई दे रहा है? क्योंकि के कविता के रिश्तेदारों के यहां सुबह से ही एक के बाद एक छापेमारी की जा रही है, कई सबूत जुटाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन क्या ये सिर्फ दिल्ली की शराब नीति से जुड़े हुए मामले में है या फिर कुछ और कनेक्शन भी है? अभी तक ये तस्वीर पूरी साफ नहीं है, लेकिन कार्रवाई ईडी की लगातार जारी है। हैदराबाद में आसपास कई जगह ये कविता के रिश्तेदारों के ठिकाने पर ये छापेमारी चल रही है और ईडी एक के बाद एक कई दस्तावेज खंगाल रही। कल 6 विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग का भी दरवाजा खटखटाया और जांच एजेंसियों की कार्रवाई से फूट की गुहार भी लगाई थी। और इसी पर अब आगे कदम बढ़ाया जा रहा है। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी समेत सभी विपक्षी दलों पर हमला बोल दिया है। शिवसेना यूबीटी उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता संजय